हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्ट्रेट से विभिन्न पदों पे वैकेंसीज देखने को मिल रही है सुक्खू सरकार में ये काफी समय बाद वैकेंसीज देखने को मिल रही है काफी प्रेशर जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पे क्रिएट किया गया है हिमाचल प्रदेश यूथ के द्वारा क्योंकि काफी समय से कोई भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिल रही थी तो जिसके बाद ये विधानसभा सेक्ट्रेट से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है आज वैकेंसीज काफी लिमिटेड है काफी कम वैकेंसीज है लेकिन एटलीस्ट कुछ तो आउट हुआ इसमें क्लैरिकल में, में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क ड्राइवर माली ट्रांसलेटर स्टेनो इन सभी की वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है अभी हम सारी डिटेल जानेंगे कि क्या फीस रहेगी कौन एग्जाम कंडक्ट करवाएगा और कैसे अप्लाई करना है कितनी वैकेंसीज है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका सबसे पहले देखते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आई की नोटिफिकेशन क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी होते हैं वो इसी में अप्लाई करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट इसकी अनरिजर्व में तीन वैकेंसीज हैं टोटल इसकी तीन ही वैकेंसीज हैं और तीनों जो है अनरिजर्व की हैं क्लियर कट हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो शुड हैव प्लस बेस पे ये रहेगी एंड इसमें आपको जो सेकंड क्राइटेरिया है उसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड ऑफ थर्टी वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या अगर आप हिंदी में करते हैं तो ट्वेंटी फाइव वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ओके अगर रिटर्न टेस्ट की बात करें तो रिटर्न टेस्ट इसमें दो लेवल रखे हैं पेपर वन एंड पेपर टू जो पेपर वन का एग्जामिनेशन है ये सौ नंबर का है और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जो पेपर टू है ये डिस्क्रिप्टिव बेस होगा डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जो पेपर टू का सिलेबस है ये टोटल जो एलाइड का सिलेबस है वही पेपर टू के सिलेबस में यहाँ पे डाल दिया है इन्होंने एच पी का अभी डिस्कस करते हैं डिटेल में तो पेपर वन की पहले बात करें तो सौ नंबर का पेपर वन होगा जिसकी टाइमिंग रहेगी दो घंटे की टू आवर्स पेपर जो है ऑफलाइन होगा सबसे बड़ी बात यह है ऑनलाइन नहीं होगा ऑफलाइन होगा पेन पेपर वो एम आर शीट पर एंड जो सिलेबस रहेगा वो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश थर्टी मार्क्स जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर थर्टी मार्क्स नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज ट्वेंटी मार्क्स एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ट्वेंटी मार्क्स ये सिलेबस रहेगा टोटल हंड्रेड मार्क्स का थर्टी थर्टी सिक्सटी प्लस टू ट्वेंटी एट्टी प्लस टू ट्वेंटी हंड्रेड मार्क्स का समय रहेगा आपके पास दो घंटे पेपर वन इसके बाद पेपर टू से पहले आप जान लें कि जो पेपर वन पास करें द कैंडिडेट दोज हु क्वालिफाइड द रिटर्न टेस्ट कैंडिडेट्स जो पेपर वन में एटलीस्ट फिफ्टी मार्क्स लेकर आएंगे वही कैंडिडेट जो है पेपर एलिजिबल होंगे पेपर टू की इवेलुएशन के लिए ओके ये इसका क्राइटेरिया है यानी कि जिनको जिनके पेपर में फिफ्टी परसेंट मार्क्स होंगे पेपर वन में उन्हीं का पेपर टू चेक होगा और आपके पेपर वन और पेपर टू की परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट किया जाएगा ये उन्होंने पहले नोट में दे दि दिया है अब देखते हैं पेपर टू का सिलेबस तो पेपर टू के सिलेबस में एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका पेपर टू आपको आंसर लिखने पड़ेंगे इसमें आपसे ज्योग्राफी हिस्ट्री जोग्राफी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑफ हिमाचल प्रदेश ओके तो हिस्ट्री जोग्राफी एंड सोशल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये पूछी जाएगी नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन ओके यानी कि आपसे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपसे पूछे जा सकते हैं और इसमें इंक्लूड होगा मॉडर्न हिस्ट्री फ्राम एटीन फिफ्टी सेवन ऑनवर्ड्स यानी कि जो एलाइड में पूछी जाती है कि अठारह सौ सत्तावन के बाद की मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन प्लस इंडियन कल्चर इंडियन पॉलिटी इंडियन इकानमी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया और लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस तो ये इन्होंने ये पूरा जी कवर किया है अपने पेपर टू में अगर पेपर टू में ये पूछा रहा है तो पेपर वन में भी इसको आप कवर कर लीजिए तो ये रहेगा पेपर टू का सिलेबस और लास्ट में होगी आपकी जो थर्ड फेजेस का वेरिफिकेशन ऑफ ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो ये पूरा प्रोसीजर है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का जिसकी तीन वैकेंसीज हैं जनरल कैटेगरी के लिए अब अगर बात करें जो क्लर्क की वैकेंसीज हैं जिसमें अनरिजर्व की तीन वैकेंसीज हैं क्लर्क के लिए पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन ऑफ फोर्टी परसेंट एंड अबव तो एक वैकेंसी है इनके लिए एस सी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए एक वैकेंसी है एस टी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए भी एक है क्लियर कट है और इसके बाद ओ बी सी ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए ओ बी सी के लिए दो वैकेंसीज हैं एंड जिसमें एक वैकेंसी जो है एंटिसपेटेड है लास्ट में इकोनॉमिक विकर सेक्शन ई ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए एक वैकेंसी है जो कि क्लियर कट है ओके तो तीन वैकेंसीज़ अनरिजर्व के लिए हैं और एक दो दो वैकेंसीज जो है ये एस सी एस और ई के लिए एक वैकेंसीज इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी लेकिन क्लर्क में जो है बैचलर डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हैं यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसमें तो ट्वेल्थ ही है लेकिन यहाँ पे क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग स्पीड सेम थर्टी वर् वर्ड्स वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या अगर हिंदी में करते हो तो ट्वेंटी फाइव वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी लैंग्वेज सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए पेपर टू हंड्रेड मार्क्स का होगा जिसमें तीन घंटे रहेंगे और पेपर वन जो है ये भी हंड्रेड मार्क्स का होगा लेकिन इसमें टू आवर्स रहेंगे दो घंटे रहेंगे रहेंगे आपके पास सिलेबस बिल्कुल सेम है और स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में मैंने आपको बताया इसके बाद बात करते हैं ड्राइवर की वैकेंसीज है ड्राइवर की केवल एक वैकेंसी है जो कि है एस कैटेगरी वालों के लिए एस ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए एक वैकेंसी है इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रखी है वो मैट्रिक पास होना चाहिए ओके okay? और मस्ट पॉजिज वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ लाइसेंस फॉर प्लाइंग फॉर प्लाइंग ऑफ मीडियम एंड हैवी मोटर व्हीकल्स तो इसमें भी आपका रिटर्न टेस्ट जो होगा वो हंड्रेड मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन रहेगी दो घंटे की केवल एक ही पेपर होगा इसमें आपका सेकेंड पेपर नहीं होगा इसमें जैसा ऊपर क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में था इसमें केवल एक ही पेपर है जिसमें आपका सिलेबस रहेगा जो उसमें आपसे पूछा जाएगा मोटर व्हीकल्स के बारे में और रोड सेफ्टी के बारे में जैसा हाई कोर्ट का भी ड्राइवर का एग्जामिनेशन हुआ वही सेम सिलेबस रहेगा एक्ट्स और रूल्स पूछे जाएंगे आपसे आपसे और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज साथ में नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया इन जनरल यानी जी एस पूछ जाएगी हिमाचल प्रदेश और इंडिया की इंडिया जी के और हिमाचल जी के सिंपल उसके बाद होगा आपका जो है स्किल टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट ओके और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बात करें चौकीदार की तो चौकीदार की तीन वैकेंसीज हैं जिसमें एक जनरल के लिए है एक एस के लिए है और एक जो है ओ के लिए है क्वालिफिकेशन इसमें आपके पास जो है शुड बी मिडल पास यानी एट्थ आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए एट्थ पास इसमें भी आपका जो है रिटर्न टेस्ट होगा हंड्रेड मार्क्स का जिसमें आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश जी इंडिया जी एंड नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश की जो है जनरल नॉलेज लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे ग्रामर से और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिटर्न टेस्ट आपकी जो है शॉर्टलिस्ट की कर दिए जाएंगे आप और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी आपकी चौकीदार के पोस्ट के लिए तीन टोटल पोस्ट है इसकी लास्ट में अगर बात करें माली की तो माली की एक वैकेंसी है जनरल के लिए है अनरिजर्व है ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिडिल पास होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज बाय द एच स्टेट गवर्नमेंट सिलेबस सेम रहेगा हिमाचल जी के इंडिया जी के और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही आपकी जो है सिलेक्शन होगी यहाँ पे इसके बाद बात करें अगर रिपोर्टर की तो रिपोर्टर हिंदी में पांच वैकेंसीज हैं टोटल पोस्ट पांच है इसमें जिसमें अनरिजर्व के लिए चार हैं और एक जो है पर्सन विद बेंच मार्क डिसबिलिटी वालों के लिए है एक वैकेंसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास किसी भी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से और नंबर टू पे शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी होनी चाहिए वन सिक्सटी वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी इंग्लिश और हिंदी सिक्सटी वर्ड सिक्सटी अब्लिक फोर्टी वर्ड्स पर मिनट ओके तो यहाँ से आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो इसमें भी आपके पेपर वन और पेपर टू तो दो पेपर होंगे हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स के दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव हो बेस डिस्क्रिप्टिव होगा एप्टीट्यूड टेस्ट जो पहला होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा बट एम सी क्यू बेस्ड तो यहाँ से आप पॉज करके पढ़ सकते हो अपना सिलेबस मैक्सिमम इसमें ट्रांसलेशन रहेगी हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू हिंदी कंपोजिशन रहेगी लेकिन जो पेपर वन का सिलेबस है वो सेम रहेगा जैसा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्कल क्लैरिकल में सिलेबस है पेपर वन का ओके एंड रिटर्न टेस्ट के बाद आपके होगा स्किल टेस्ट जो यहाँ से आप पॉज करके आप देख सकते हो टाइपिंग स्पीड एक्सेट्रा और लास्ट में थर्ड नंबर पे है पर्सनल इंटरव्यू जो कि है दस नंबर का इसके बाद अगर स्टेनोग्राफर की दो पोस्ट हैं जिसमें एक जनरल के लिए है और एक एस सी एक्स सर्विस मैन के लिए है एक वैकेंसी एस सी एक्स सर्विस मैन और एक है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के, के लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम एन रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पे एटी वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी सेवेंटी वर्ड्स पर मिनट ओके और ये तो हो गया टाइप राइटिंग के लिए और कंप्यूटर की बात करें तो इंग्लिश में फोर्टी वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में थर्टी वर्ड्स पर मिनट ओके सिलेबस अगर जो रिटर्न टेस्ट की बात करें तो पेपर वन और पेपर टू दोनों पेपर रहेंगे पेपर वन हंड्रेड मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा वही सेम सिलेबस पेपर वन का जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का रहेगा वही सेम है सिलेबस और पेपर टू में सिलेबस चेंज होगा जो ओके okay, इसमें ट्रांसलेशन रहेगी आपकी हिंदी पैसेज इनटू इंग्लिश एंड वॉइस वर्सा कंपोजिशन रहेगी ऐसे एडियम कोक्शन एक्सेट्रा के लिए ओके okay? इसके बाद स्किल टेस्ट होगा एंड लास्ट में आपकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगी इसमें आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू नहीं है इसमें स्किल टेस्ट के बाद डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड लास्ट में है ट्रांसलेटर इसकी एक वैकेंसी है एक पोस्ट है जो कि जनरल के लिए है अनरिजर्व एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश लैंग्वेज ओके ये कंपलसरी है ग्रेजुएशन आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है चलेगी लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी हिंदी या इंग्लिश किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक लैंग्वेज में होनी चाहिए और साथ में एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन प्रूफ रीडिंग ओके प्रूफ रीडिंग या ट्रांसलेशन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिटर्न टेस्ट की बात करें तो पेपर वन हंड्रेड मार्क्स का रहेगा पेपर टू भी हंड्रेड मार्क्स का रहेगा लेकिन ये थ्री आवर्स का होगा तीन घंटे का ओके डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा जिसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे सिलेबस आप यहाँ से पढ़ सकते हो पॉज करके एंड इसके बाद आपका जो है वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की और आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो ये टोटल जो है वैकेंसीज जो विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेकट्रेट से जो नोटिफिकेशन देखने को मिली अब इसकी फ़ीस देख लेते हैं अगर एज की बात करें तो अठारह से पैंतालीस एज तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे फीस की बात करें तो यहाँ से आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो रिपोर्टर की जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पहले जनरल कैटेगरी के लिए दी गई है ये जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें देखिए माली चौकीदार फ्रेश ड्राइवर ड्राइवर की सिक्स हंड्रेड है चौकीदार माली की फोर हंड्रेड क्लर्क और ड्राइवर की 400 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी 600 क्लर्क की 600 ड्राइवर की 600 ट्रांसलेटर की 600 लेकिन स्टेनोग्राफर की भी 600 रिपोर्टर की 800 है ओके एस सी एस टी बी पी एल ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इनकी देखिए यहाँ पे रिपोर्टर की जनरल के लिए आठ सौ रुपए है और यहाँ पे दो सौ रुपए है कैटेगरी वालों के लिए स्टेनोग्राफर की डेढ़ सौ ट्रांसलेटर की भी डेढ़ सौ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी डेढ़ सौ क्लर्क और ड्राइवर जिनकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए सिक्स हंड्रेड है यहाँ पे कैटेगरी वालों के लिए वन फिफ्टी रुपीज़ चौकीदार माली एक्सेट्रा के लिए हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ जो है यहाँ पे फीस रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है और एक्स सर्विस मैन ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी फ्री रहेगा फॉर्म आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो ओके अप्लाई कैसे करना है आपको अप्लाई करना है आपको यहाँ से वेबसाइट से हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा की वेबसाइट पे ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो देखिए लिये स्टेप वन है आपका प्रोसीड टू तो मेक पेमेंट और सेकंड ऑप्शन स्टेप रहेगा आपका अप्लाई करने के लिए ओके तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे ये पोर्टल है अगर आप चाहते हो कि हमें अप्लाई करने के लिए वीडियो चाहिए कि कैसे अप्लाई करेंगे तो उस कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा डेडिकेटली दैट्स इट और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप 26 फरवरी तक इसमें अप्लाई कर सकेंगे क्लोजिंग डेट रहेगी आपकी 26 फरवरी 2024 12 बारह बजे तक ओके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फीडबैक जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यूर